हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक सर्वे है वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, एक सर्वे किया, उसमें फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक है डैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल का। ठीक है, इन ए सिटी में तो आपको ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया है सेमी क्लासिकल म्यूज़िक कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, 20% पसंद करते हैं, और जो लाइट म्यूज़िक है वो 40% पीपल पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और 30% फोक करते हैं। ठीक है, और 10% करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है आपको, तो इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक कितना आपका 20 पीपल लाइक करते हैं, इफ़ 20 पीपल अगर क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं तो आपको टोटल यंग पीपल निकालने, कितने यंग पीपल का सर्वे किया गया एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इसमें। ठीक है, तो आपको क्लासिकल कितना दिया हुआ है परसेंट, 10% दिया हुआ है, तो आप लेट करोगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्स मान लिए। ठीक है, कितने परसेंट हैं, 10% आपको क्लासिकल है, क्लासिकल पीपल कितने हैं, 20 पीपल आ रहे हैं, तो 10% किसका, टोटल पीपल का। जब 10% टोटल नंबर ऑफ पीपल का निकालते हैं तो कितने आते हैं पीपल, 20 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है ना दिया हुआ है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल है, क्लासिकल कितने लोग पसंद करते हैं, 20 पसंद करते हैं, तो टोटल पीपल्स कितने हैं, क्लासिकल कितने परसेंट दिया आपको, 10% दिया हुआ है, तो आपने पूरे का मान लिया एक्स मान लिया, तो 10% और एक्स, अगर 10% होल का निकालते हैं एक्स का तो किसके इक्वल आएगा, 20 इक्वल आएगा। ठीक है, परसेंट साइन रिमूव होगा, 100 इंटू एक्स, कैंसिलेशन किया आपने तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, एक सर्वे था, इसमें क्वेश्चन में था क्या, एक सर्वे किया गया वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक का। ठीक है, अलग टाइप के म्यूज़िक दिया था, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, ठीक है, फोक और क्लासिकल। आपको क्लासिकल 20 लोग पसंद करते हैं, 20 पीपल जो है क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया टोटल जो है आपके दिया है, टोटल ग्रुप में कितने पीपल है, टोटल ग्रुप में कितने पीपल है, टोटल ग्रुप में कितने पीपल निकले, 200। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पूछा गया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, क्वेश्चन दिया है आपको सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में दिया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किस म्यूजिक में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो गए। तो इस पाई चार्ट को देखिए, इसमें 20% पीपल का पसंद करते हैं सेमी क्लासिकल, इसमें 10% करते हैं, इसमें 30% करते हैं, और इसमें कितना करते हैं, 40%। तो हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ पीपल किस टाइप ऑफ म्यूज़िक में लाइक करेंगे, तो सिंपल से 40% ज़्यादा है सबसे, तो कौन सा म्यूज़िक है, लाइट, तो इसका आंसर होगा आपका लाइट म्यूज़िक जो होगा। ठीक है, लाइट म्यूज़िक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो आंसर क्या होगा इसका, लाइट। ठीक है, तो आंसर आ गया लाइट म्यूज़िक। ठीक है, सिंपल था। अब देखिए थर्ड पार्ट में, देखिए थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे अगर टोटल कैसेट जो है, जो एक कैसेट है पूरी टोटल नंबर ऑफ कैसेट अगर 1000 सीडी है, तो टोटल कैसेट हुई वो कितनी है, 1000 सीडी है, तो हाउ मैनी ईच टाइप वुड दे मेक, तो कितनी सीडी बनी, सेमी क्लासिकल कितनी बनी, क्लासिकल की कितनी बनी, फोक की कितनी बनी, और लाइट म्यूज़िक कितनी बनी। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक, कितनी सीडी बनाई कैसेट कंपनी, 1000 सीडी बनाई, तो पूछ रहा है हाउ मेनी इस टाइप वुड दे मेक, मतलब सेमी क्लासिकल म्यूज़िक कितनी सीडी बनी, ठीक है, और आपके क्लासिकल म्यूज़िक कितनी बनी, लाइट म्यूज़िक कितनी बनी, और फोक की कितनी सीडी बनाई, ये आपको निकालना है। तो सबका निकालना है, पहले हम निकाल रहे हैं क्लासिकल का, ठीक है, तो क्लासिकल कितना परसेंट दिया हुआ आपको, क्लासिकल दिया आपको 10%। ठीक है,
क्लासिकल 10% दिया हुआ है, तो पहले हम क्लासिकल की निकालेंगे। ठीक है, क्लासिकल दिया है वो 10%। टेन परसेंट ऑफ 1000 का, 10% 1000 निकालोगे, कितना आ गया 10 × 10 कितना आया इसमें, 100 आ गया आपका। तो क्लासिकल म्यूजिक कितनी सीडी हुई, 100 सीडीज होगी। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक कितनी सीडी बनाई, 100। इसके बाद फिर सेमी क्लासिकल कितनी है, 20% है, तो उसके बाद सेमी क्लासिकल का निकाल देंगे हम। ट्वेंटी परसेंट ऑफ 1000, 20/100 इंटू 1000 कितना आ गया, 200 आ गया। तो सेमी क्लासिकल कितनी सीडी बनाई हमने, 200 सीडीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद लाइट म्यूजिक लेते हैं। लाइट म्यूजिक कितना है, 40% है। ठीक है, तो लाइट म्यूजिक कितना है, 40%, 40% ऑफ 1000, 2020 कैंसिल, 400 सीडीज। फिर उसके बाद है फोक का है, आपको फोक निकालना है। फोक कितने परसेंट करते हैं, फोक म्यूजिक 30% करते हैं, है ना। फोक म्यूजिक कितना परसेंट लोग करते हैं, 30% करते हैं। थर्टी परसेंट ऑफ 1000, 30 × 10, तो इसका आंसर आ गया 300 सीडीज। तो क्लासिकल कितनी सीडीज आई आपकी, 100 सीडीज आ गई। सेमी क्लासिकल 200 और लाइट की 400 और फोक की 300, टोटल कितना हुआ, 100, 200, 300 और 400, 700, 700 और 300, 1000, टोटल 1000 सीडी थी। तो 1000 डिवाइड किस में हुई, क्लासिकल में 100 सीडी होगी, सेमी क्लासिकल में 200 और लाइट में 400 और फोक में 300। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल है। एक ग्रुप में कितने पीपल है, 360 पीपल है टोटल। वर आस्क्ड टू वोट करना है फॉर देयर फेवरेट सीजन के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है ग्रुप में 360, उनको वोट करना है उनका फेवरेट सीजन कौन सा है। तो थ्री सीजन दिए हुए, कौन से, रेनी है, विंटर और समर। तो 360 पीपल को वोट करना है कि उनका फेवरेट सीजन रेनी है, विंटर है, समर है। तो आपको बुक में दिया हुआ क्वेश्चंस, सीजन नंबर ऑफ वोट्स, समर जो सीजन है वो कितने लोग पसंद करते हैं, कितने वोट मिले इसको, 90 मिले। रेनी सीजन कितने मिले, 120 वोट किया लोगों ने। और विंटर सीजन को कितने लोगों ने किया, 150। यानी कि समर सीजन को 90 पीपल ने वोट किया, रेनी को 120, विंटर सबसे ज़्यादा, नहीं, विंटर को सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। ठीक है, फेवरेट सीजन किसका है, विंटर ही है लोग फेवरेट, सबका फेवरेट सीजन किस कितना हुआ, विंटर, क्योंकि विंटर क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें पूछा है विस सीजन गॉट द मोस्ट वोट, किस सीजन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट ज़्यादा मिले, तो विंटर मिल रहे। तो आंसर क्या होगा, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। मोस्ट वोट किसमें मिल रहे हैं आपको, विंटर मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आप लिखोगे विंटर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईस्ट सेक्टर। ठीक है, इसमें बनेगा आपका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो इससे सेकेंड पार्ट पूछ रहा है आपसे फाइंड द, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेंटर एंगल निकालना है ऑफ ईस्ट सेक्टर का। सेंट्रल एंगल निकालना है आपको ऑफ ईस्ट सेक्टर का। जितने सेक्टर बनेंगे, 3 सेक्टर बन रहे हैं आपके,
एक समर का बनेगा, रेनी का, एक विंटर का। तो तीनों सेक्टर का आपको सेंटर एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखिए सेंटर एंगल से पहले आप करोगे इसका टोटल, टोटल कितना आएगा? 360 पीपल ने सर्वे किया क्या, टोटल कितना आएगा? 360 आएगा। 0, 2 प्लस 9 11, 6, 360। जब 360 पीपल ने सर्वे किया, वोट किया, तो टोटल भी तो 360 आएगा। अब निकालना आपको सेंटर एंगल, तो सेंटर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है जो समय से आप समर का निकालना है आपको, ठीक है। समर का लिखोगे, समर निकालने के आप 90 लोगे, 90 लोग जो है नंबर ऑफ वोट्स हैं जो समर सीजन को वोट करते हैं, और टोटल कितना है? 360। टोटल कितना है? 360। और मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री से। ये 360, ये तो आपका टोटल था 360, और ये 360 कहाँ से आया? जो पाई चार्ट बनता है आपका, ठीक है, जो पाई चार्ट बनता है पूरा सर्कल बनता है ऐसे, है ना, पाई चार्ट में पूरा सर्कल बनता है। तो पूरे सर्कल जो एंगल बनता है, ठीक है, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है, इसलिए 360 डिग्री आता है। समझ में आया? समर का निकालने तो नंबर ऑफ वोट्स लोगे आप 90, ठीक है, 90 ले लिया आपने। फिर लिखोगे टोटल, जो टोटल आता है आपका, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 360। समर के नंबर ऑफ वोट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 360 डिग्री एंगल, क्योंकि तो पाई चार्ट में जो एंगल बनता है पूरा कितने डिग्री का बनता है? 360 का। आप कैंसिलेशन करोगे कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो समर सीजन कितना पसंद करते हैं? 90। तो सेंटर एंगल कितना आ गया समर सिंगल समर सीजन का? 1 रेनी सीजन निकाल देना आप, 120 अपॉन 360 अपॉन 360, इससे कितना आया? 120 डिग्री आएगा। तो रेनी कितना आ गया? रेनी सीजन का आ गया 120। उसके बाद विंटर निकालने करोगे, 150 डिवाइड बाय 360 इंटू 360 डिग्री, कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। तो विंटर कितने निकल गया? 150 डिग्री। अब एंगल निकला अपन 90, 120 और 150। इसका आपको क्या करना है? थर्ड पार्ट लिखा है ड्रॉ द पाई चार्ट, इसका आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कि थर्ड पार्ट में आपको पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखाना है। तो पाई चार्ट के लिए आप पहले सर्कल सर्कल ड्रॉ करोगे, कोई भी रेडियस लेके, एनी रेडियस, ठीक है, कोई भी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में करना है आप ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, जो आपने एंगल निकाले समर का 90 डिग्री, रेनी सीजन का 120 डिग्री और विंटर का 150 डिग्री, तो उसको आपको पाई चार्ट में शो करना है। सबसे पहले किस कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ करोगे एक, ठीक है, कोई भी रेडियस ले सकते हो आप, ठीक है। मैं थोड़ा लास्ट सर्कल ड्रॉ करो, आप स्मॉल सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मैं बिल्कुल स्मॉल में कर देना बिल्कुल, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, कोई भी रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? एंगल ड्रॉ करने है। समर समर का कितना है? 90 डिग्री है, रेनी सीजन का 120 डिग्री और विंटर का 150 डिग्री, इसको ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, प्रोटेक्टर की सहायता से करेंगे हम। तो सबसे पहले एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, तो इसमें सेंटर का आपका जो सेंटर था ये सेंटर है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेना आप, सबसे पहले किस साइड पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस ड्रॉ कर लेना, किस साइड ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे साइड ड्रॉ कीजिए या ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे जिस पे आपके एंगल बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल कितना का है? 90 डिग्री का है। समर कितना? 90 डिग्री बनाएंगे, फिर हम 120 डिग्री और फिर 150 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, सबको आता है एंगल ड्रॉ करना प्रोटेक्टर से, ठीक है। इस पर हम रखेंगे सेंटर में, ठीक है, तो लाइन के इस तरफ है, तो 0 के इनर साइड का 0 लिखोगे आप, 0 10, तो 90 का बन रहा है इस पॉइंट पे, बन रहा है 90 का, तो एंगल 90 बन जाएगा आपका, ठीक है।
ये आपने 90 एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, कौन सा हो गया, समर का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है रेनी सीजन है। रेनी सीजन कितना है, 120 डिग्री है, आपको 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। अब देखिए 120 कैसे इसके बाद करना है। अब आपका जिस पे एंगल ड्रॉ करोगे वो लाइन कौन सी होगी, 90 की होगी, इस पर रखोगे आप, यहाँ रखोगे तो यहाँ पे हो गया आपका। अब 90 के बाद 120 ड्रॉ करना है, तो इस पर रखोगे आप ऐसे, जो लाइन होगी आपका जीरो एंगल होगा, ये 0 डिग्री का। ठीक है, अब ये 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, तो 120 कहाँ पे होगा, 120 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 120 ड्रॉ कर लोगे आप। ठीक है, तो ये बन गया कितना, 120 डिग्री क्या है, रेनी सीजन है। और ये कितना था, समर सीजन था, 90 का है। ठीक है, और ये कितना है, 120 डिग्री। और बाकी ये जो रिमेनिंग बचा कितना एंगल होगा, 150 का होगा, तो कि 90 हो गया, 90 प्लस 120 हो गया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 150 का, तो ये आपका होगा विंटर। कौन सा सीजन होगा ये, विंटर सीजन। ठीक है, तो देखिए पाई चार्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले सेंटर एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन जो है आपके सभी क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, दो क्वेश्चन बचे आपके, इन दोनों क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और पाई चार्ट ड्रॉ करने का यही मेथड है आपको, आपको फर्स्ट और ऑल सेंटर एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है, सेंटर एंगल ड्रॉ करना है। जब आपका सेंटर एंगल ड्रॉ हो जाएगा तो कोई भी रेडियस लेके, कोई भी रेडियस लेके आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चंस ट्राई करना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपके पाई चार्ट पे बेस एंगल बेस हैं। ठीक है, ये आपको इसमें कंपास का, ठीक है, कंपास से किसी कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स रेडियस लेने की जरूरत नहीं है, चाहे 3 सेंटीमीटर लीजिए या 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।